सफलता का पांचवा आध्यात्मिक नियम जो दीपक चोपड़ा जी ने दिया है उसके बारे में मैं आज बातचीत करने वाला हूं। पांचवा आध्यात्मिक नियम जो है वो है द लॉ ऑफ इंटेंशन एंड डिजायर, मतलब हमारा इरादा और हमारी इच्छा है इसके बारे में। ये बताते हैं कि ये जो यूनिवर्स है, जो ब्रह्मांड है, इसमें बहुत सारी एनर्जी है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है और हम ब्रह्मांड से जुड़े हैं। हमारे में भी एनर्जी है, ब्रह्मांड में एनर्जी है, और एनर्जी कहाँ नहीं है? आप कहीं भी देखो एनर्जी है। घास उगता है तो घास में एनर्जी है, कोई पेड़ है, पौधा है, उसमें एनर्जी है, कोई जानवर है, प्राणी मात्रा है, उसमें एनर्जी है, फूल है, उसमें एनर्जी है, सभी जगह एनर्जी है। सिर्फ प्राणी मात्रा में और हमारे में, ह्यूमन बीइंग में यही फर्क है कि हमारे पास में ब्रेन है और वो ब्रेन जो है ना वो बहुत सारी कलाकारी कर सकता है। वो एनर्जी को चैनलाइज कर सकता है, वो इन्फॉर्मेशन को चैनलाइज कर सकता है। तो फिर उसका कैसा इस्तेमाल करना वो बताया गया है। देखिए ये जो ब्रह्मांड है इसमें बहुत सारी चीजें हमारी तरफ आती है, वो आ रही है, तो क्या हम रिसीविंग मोड में है कि भाई आने दो आने दो? बहुत बार ऐसा होता है कि नहीं नहीं मुझे तो ये मिलने वाला नहीं है, नहीं तो मेरे लिए संभव नहीं है, नहीं मैं तो फेल हो जाऊंगा, नहीं मेरे को तो कुछ मतलब मजा आने वाला नहीं है, वो तो मुझे ऐसा बोलने वाला है। मतलब हम रिसीविंग मोड में है नहीं, हमको ये पहले से पता है कि वो होने वाला है नहीं। तो जब हमको पहले से पता है कि होने वाला नहीं है तो फिर यूनिवर्स आपका साथ देगा नहीं। वो निगेटिव एनर्जी जो तैयार होती है वो निगेटिव एनर्जी आपको आगे बढ़ने देंगी नहीं। तो हमको रिसीविंग मोड में रहना है, रिसीव करना है ब्रह्मांड से, और रिसीव करते करते ही आगे बढ़ने का है जो एफर्टलेस होगा। ये जो हमारे में एनर्जी है, ब्रेन है, वो हम कैसे एक्सपीरियंस करते हैं? वो हम एक्सपीरियंस करते हैं विचारों से, फीलिंग्स, भावनाएं, इमोशंस, इच्छाएं, कुछ हमारी याददाश्त जो है वो याददाश्त, इंस्टिंक्ट्स जो हमारे आंतरिक इच्छा होती है, ड्राइव्स जो हमको चलाती है, और हमारी धारणाएं, बिलीफ्स, मतलब हमारे बिलीफ्स है, कुछ विचार है जो पक्के दिमाग में बैठे हुए, कुछ थॉट्स है, कोई इमोशंस है, कोई फीलिंग्स है, कोई ड्राइव्स है, कोई इंस्टिंक्ट्स है, इससे हम चलते हैं, मतलब ये हमको चलाते रहते हैं, ये हमारे दिमाग में है। और ये जब हमारे दिमाग में है तो सिर्फ इसके वजह से हम लोगों से अलग अलग है, अदरवाइज वैसा देखा जाता है एक ही है, मगर किसके थॉट्स कुछ है, किसके थॉट्स कुछ है। हम बहुत ही ब्रॉड लेवल पे देखेंगे तो भी थॉट्स भी तो सबके सेम ही है, थॉट्स कुछ अलग नहीं है, सभी के थॉट्स कम ज्यादा मात्रा में एक जैसी है। तो फिर सवाल आता है कि फिर हम अलग कैसे? हम अलग है सिर्फ बॉडी से, अदरवाइज हम सब एक ही एनर्जी है, मैं और आप अलग नहीं हो, एक ही हो। तो फिर ये यदि, तो फिर हमारा इंटेंशन और डिजायर्स हमको यदि लाना है, प्रैक्टिकल में लाना है, तो हमको हमारा अटेंशन जो है, जो हमको ब्रेन ने दिया हुआ है, वो अटेंशन हमको एक जगह रखना पड़ेगा, लक्ष्य एकाग्र करना पड़ेगा, लक्ष्य केंद्रित करना पड़ेगा। और ऐसा बोला जाता है कि जो जिस जगह आप लक्ष्य एकाग्र करते हो, जिस जगह आप पूरा अटेंटिव रहते हो, अटेंशन में रहते हो, जिसके ऊपर आप अटेंशन देते हो वो बड़ा होते जाता है। सो लाइक वॉट एवर यू पुट योर अटेंशन ऑन विल गो स्ट्रॉन्गर इन योर लाइफ। और जिससे आप अटेंशन निकाल देते हो, लक्ष्य हमारा विचलित करते हो, दूर लेके जाते हो, वो गायब हो जाता है, छोटा हो जाता है। तो फिर हमको क्या करना होगा? हमको पूरे ताकत के साथ में, पूरे शिद्दत के साथ में हमारा अटेंशन, लक्ष्य एकाग्र करना होगा, फोकस करना होगा एक जगह पे, पूरी ताकत लगाए एक ही जगह पे फोकस करना है। इंटेंशन और डिजायर में बहुत फर्क है। जब इंटेंशन हम बोलते हैं तो इंटेंशन इज विदाउट अटैचमेंट टू द रिजल्ट, मतलब इरादा या हेतु है वो एक तरह से कहा जाता है कि भाई वो रिजल्ट से अटैच नहीं है, मगर डिजायर जो है, इच्छा, वो बहुत अटैच है रिजल्ट से। तो फिर क्या है कि डिजायर है और इंटेंशन भी है, इसका मतलब है आप जो काम कर रहे हैं वो काम आप पूरी ताकत से कर रहे हैं, इंटेंशन से कर रहे हैं, मगर आउटकम में आप अटैचमेंट नहीं हो, आउटकम से आप अटैच नहीं हो, वो हो जाता है। वो अगले लॉ में आएगा कि लॉ ऑफ डिटैचमेंट क्या है। अभी हम बात करेंगे इंटेंशन के ऊपर, लक्ष्य एकाग्र करना और डिजायर आपको यदि है और उसके पीछे आपने इंटेंशन क्रिएट किया, इरादा, हेतु, उद्देश्य वो क्रिएट किया और पूरे ताकत के साथ में वहां फोकस करके वो काम करे, तो डेफिनेटली आपकी डिजायर पूरी हो जाएगी। एक इसमें आता है वन पॉइंट अटेंशन। वन पॉइंट अटेंशन का मतलब यह होता है कि आप एक बिंदु के ऊपर इतना अटेंशन, इतना लक्ष्य एकाग्र करते हो कि बीच में कुछ भी ऑब्स्टेकल आएंगे तभी आप उसके ऊपर ख्याल नहीं देंगे। बीच में कुछ भी आपको बहकाने वाली बात आएंगी, लक्ष्य विचलित करने वाली बातें आएंगी, आपका ख्याल भटकने वाली बातें आएंगी, वो आप करेंगे नहीं, आएंगे तभी उसको डील करेंगे, मगर वो आप फिर से वापस एकाग्रचित्त हो जाएगी। उसको बोलते हैं वन पॉइंट अटेंशन। इसका मतलब ये है, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, कि आप ऑब्स्टेकल से विचलित नहीं होंगे, विचलित करने वाली कोई परिस्थिति हो वहाँ से विचलित न होंगे, आप फुल पूरा अटेंशन एक जगह देंगे।
तो अभी हम देखेंगे कि ये इंटेंशन एंड डिजायर का लॉ अप्लाई करना है तो उसको कैसा अप्लाई करेंगे। तो इसमें पांच एलिमेंट्स है, पांच स्टेप्स है। नंबर एक, स्लिप इनटू द गैप। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि आप गैप में चले जाओ, बीच बीच में। कौन से गैप में चले जाओ? कि आप जब शांत मेडिटेशन में बैठे हैं, आप आपके थॉट्स को ऑब्जर्व करो। एक थॉट हो गया तो कुछ साइलेंस आता है बीच में। हो सकता है कि वो साइलेंस जो है वो 1 सेकंड का हो, 5 सेकंड का हो, 2 सेकंड का हो, और वो जो साइलेंस है वो साइलेंस में आप स्लिप होते हो, जाते हो, तो वो साइलेंस में आपने अपना इंटेंशन डालना है। तो साइलेंस क्या है? साइलेंस एक उपजाऊ जमीन है, जो जमीन में आप अच्छे बीज डालते हो तो वो बीज के अच्छे पौधे तैयार हो जाएंगे, फल अच्छा मिलेगा। तो स्लिप इनटू द गैप, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इसका मतलब ये है कि आप मेडिटेशन करो, साइलेंस में बैठो, मौन व्रत धारण करके बैठो, और एक थॉट हो गया तो दूसरा थॉट ऑब्जर्व करो। एक थॉट आ गया है वो निकल जाएगा, तुरंत आपको जो चाहिए वो उसमें डालो, दूसरा थॉट आने के पहले। तो ये हो गया स्लिप इनटू द गैप, मतलब दो थॉट के बीच में जो आता है गैप, उसमें आप आपके इंटेंशन और डिजायर जो उसमें डालो। नंबर दो, ये जो गैप तैयार हो रहा है वो गैप में आपने इंटेंशन डालना है। पहला स्टेप क्या है? कि गैप तैयार करो। दूसरा है कि वो गैप में अभी आपके इंटेंशन और डिजायर डालो। इसका मतलब ये है कि आपके पास में इंटेंशन और डिजायर्स की विश लिस्ट जो है आपकी, वो रखो तैयार, कि मेरी कौन सी इच्छा है, मेरे को पूरी करना है, वो मगअप करो, मुंह पाठ करो। जैसे ही आप गैप में जाओगे, एक थॉट आ गया, फटाक से वो थॉट डालो कि मुझे ये मेरी इंटेंशन पूरी करनी है। वो फर्टाइल लैंड, उपजाऊ जमीन है, उसमें डाल दो वो गैप में। तो ऐसे जब आप बार 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 करते रहेंगे तो डेफिनेटली यूनिवर्स के ऊपर, ब्रह्मांड के ऊपर उसका प्रभाव पड़ेगा। तीसरा है रिमेन इन द स्टेट ऑफ सेल्फ रेफरल। इसका मतलब मैं कौन हूं ये मुझे मालूम है, हम हमारे है कौन मुझे मालूम है, मैं मेरा कौन हूं मुझे मालूम है, मैं कौन हूं ये लोगों ने ठहराने का नहीं है। लोग कुछ भी बोलेंगे मेरे बारे में, लोग अच्छा बोलेंगे, बुरा बोलेंगे, तारीफ करेंगे, वाह वाह करेंगे, जो भी करना है वो करेंगे, मगर मैं उसमें बह के नहीं जाऊंगा। मैं देखूंगा ये कि मैं कौन हूं, ये मैं ठहराऊंगा, लोगों के हाथ में मेरा रिमोट कंट्रोल दूंगा नहीं। और फिर एक मार्ग उसमें ऐसा है कि आपके जो डिजायर्स है वो आपने आपके पास में रखना है, शेयर करना नहीं है। हाँ, शेयर करना है, किसको शेयर करना है? जो आपको, जो आप अपनों को अपने वाले समझते हो उनको, कि जो आपको सपोर्ट करने वाले, सहायता करने वाले, उनको शेयर करना है। ऐसे कोई भी पकड़ा उसको बता दे कि मेरी डिजायर्स ये है, मेरी इंटेंशन ये है, उसको बताने की नहीं है, क्योंकि वो लोग एक तो आप कॉम्पिटिशन खड़े कर रहे हैं, वो लोग पता नहीं कैसे है, वो आपके पैर में डालेंगे खोड़ा, आपको पीछे खींचेंगे और आपका इंटेंशन डिजायर पूरा नहीं होते देंगे, होने देंगे। तो फिर आपको क्या करना है? आपको आपके इंटेंशन डिजायर जो है वो लोगों को बताने का नहीं है, अपने पास में रखना है और लोगों से प्रभावित नहीं होना है। ये होगी तीसरी स्टेप। चौथी है कि आपने जो रिजल्ट्स आने वाले उसके साथ में कुछ भी रिश्ता रखने का नहीं है, अनासक्ति, डिटैचमेंट। कर्मण्येवाधिका रास्ते मा फलेषु कदाचन। इसका मतलब मैं कर्म करूंगा, फल की चिंता नहीं करूंगा। तो डिटैचमेंट रखने का है, और आउटकम क्या आने वाला है, इसमें से क्या फल मिलने वाला है, वहां न देखते हुए मेरा पूरा लक्ष्य एकाग्र करना है मेरी एक्शन के तरफ, एक्शंस। नंबर पांचवा जो है कि मैंने रिसेप्टिव रहना है। ये ब्रह्मांड जो है बहुत एनर्जी है, वो एनर्जी आपके तरफ आ रही है, मौके आ रहे हैं, आप ऐसे रहो कि जो भी मौका आता है उसको आने दो, वो नेचुरल है, उसको आने दो। जब आप फ्लो को आने देंगे अंदर, रिसेप्टिव रहेंगे, तो डेफिनेटली आपकी डिजायर्स पूरी हो जाएंगी। तो यह है पांचवा लॉ। इसमें अप्लाई कैसे करना है, अप्लीकेशन एक्चुअली, तो उसमें बताऊंगा स्टेप्स। नंबर एक, मैं मेरे डिजायर्स की एक लिस्ट बनाऊंगा और वो लिस्ट मैं मेरे पास में हरदम रखूंगा। जब जब मुझे टाइम मिलेगा वो लिस्ट मैं पढ़ूंगा। जब जब मैं मेडिटेट करूंगा और वो जो गैप मुझे मिलती है थॉट्स के बीच की, वो गैप्स में मैं ये इंटेंशन डिजायर उसमें डालूंगा। मैं रात को सोने के पहले ही लिस्ट पढ़ूंगा, सुबह उठने के बाद में तुरंत ये लिस्ट पढ़ूंगा, और ये लिस्ट पूरी कैसी होंगी उसके बारे में नेचर के ऊपर छोड़ दूंगा। दूसरा जो है कि मैं जो मेरी डिजायर्स है वो तैयार करके छोड़ दूंगा,
जो एक्शन करना है वो एक्शन करूंगा, एकाग्र चित्त करके एक्शन करूंगा, मगर मैं बाकी सब ये नेचर के ऊपर छोड़ दूंगा, ये ब्रह्मांड के ऊपर छोड़ दूंगा कि भाई वो मेरा पूरा करेगा। मुझे जो करना है, मुझे एक ही काम करना है, मुझे कृति करना है, बाकी ब्रह्मांड जो है उसमें एनर्जी है, वो जो भी है वो करेंगी और मुझे जो फल मिलना है वो मिलेंगे। तीसरा जो है कि मैं प्रेजेंट मोमेंट में रहूँगा, वर्तमान में रहूँगा और पूरा लक्ष्य एकाग्र करके वर्तमान में काम करूँगा। जो भी ऑब्स्टेकल्स बाहर से आते हैं, जो भी कठिनाइयाँ आती है, जो भी आपको रुकावटें आएंगी, जो भी आपके पैर खींचने वाले आएंगे, कुछ भी होगा तभी मैं उससे विचलित नहीं होऊंगा। मैं पूरा ख्याल, मेरे पूरा इंटेंशन के साथ में मैं पूरी डिजायर करने में लगाऊंगा, लक्ष्य एकाग्र करूंगा बिना विचलित होके। तो ये तीसरा प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, यहाँ मैं रुकता हूँ। थैंक यू वेरी मच। ये पांचवा आध्यात्मिक नियम है सफलता का। आपको अच्छा लगा तो लोगों को शेयर करो। थैंक यू वेरी मच।